व्हाट्सएप बिजनेस पर आपको एक ऐसा फीचर मिलता है जिससे आप बहुत सारे कस्टमर्स को बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स को बहुत ही इजीली मैनेज करके रख सकते हैं और उस फीचर का नाम है लेबल मैसेजेस तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैसेज लेबल्स क्या हैं। कैसे आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं और बेसिकली कैसे आप इसको यूज करके अपने व्हाट्सएप बिजनेस के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा स्मूथ कर सकते हैं तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं हेलो एवरीवन आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन क्यूब टेक चैनल तो चलिए चलते हैं व्हाट्सएप बिजनेस पर और देखते हैं की आखिर ये मैसेज लेबल्स क्या है कैसे इनको यूज करेंगे ओके okay, सो so आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चैट्स हैं कुछ रैंडम चैट्स हैं और इन चैट्स को लेबल करने का एक ऑप्शन हमारे पास है जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है अब जो ये लेबलिंग है यह ब्रॉडकास्ट लिस्ट को भी कर सकते हो ऐसा चैट्स को भी कर सकते हो जैसे मान लो ये एक चैट है ठीक है और फॉर एग्जांपल इस पर्सन के पास मेरी एक पेमेंट पेंडिंग है ठीक है अब ऐसा एक पर्सन तो होगा नहीं अभी तो जैसे हमारे पास सिर्फ चार पांच चैट्स हैं चार पांच लोग हैं ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास हमारी पेमेंट पेंडिंग होगी या फिर पार्शल पेमेंट पेंडिंग होगी तो इन तरह की चैट्स को हम लेबल कर सकते हैं यानी एक लेबल लगा सकते हैं कि हाँ ये वो लोग हैं जहां पर हमारी पेमेंट जो है पेंडिंग है अब इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद में और ऐसे जितने भी लोग हैं जैसे मान लो ये पर्सन है ये पर्सन है ये पर्सन है इन सबके पास मेरी पेमेंट पेंडिंग है ठीक है इन दो लोगों के पास पेमेंट पेंडिंग है तो मैंने क्या किया ये जो ये वाला बटन आपको दिख रहा है यहाँ पर ये लेबल का इस पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है कि इस पर्टिकुलर चार्ट को आप क्या नाम से लेबल करना चाहते हैं जैसे न्यू कस्टमर न्यू ऑर्डर पेंडिंग पेमेंट पेड या फिर ऑर्डर कंप्लीट ठीक है तो अभी तो मैं इसको पेंडिंग पेमेंट में लगा रही हूँ लेकिन अगर आपको कोई और नया लेबल चाहिए तो आप न्यू लेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी आई टी ट्रेनिंग कंपनी है तो अभी ये जो चैट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं ये वो लोग हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं इन डिजिटल मार्केटिंग में ठीक है डिजिटल मार्केट में तो इंटरेस्टेड इन डीएम ओके करके मैंने ये एक नया लेबल बना दिया आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो इस लेबल में डाल सकते हो और इसको सेव कर सकते हो अब यहाँ पर क्या हुआ ये देख सकते हैं ये जो चैट्स हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया है इनके आगे पिंक मार्क आ गया है ठीक है अब पिंक मार्क क्या शो करता है ये आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा ये थ्री डॉट्स पर क्लिक करो लेबल्स में जाओ और देखोगे पिंक वाला जो हमारा लेबल है वो यहाँ पर आ चुका है और मतलब ये वो दो लोग हैं जो कि डीएम में इंटरेस्टेड है मैं इनको इस तरह से ओपन करूंगी और देख सकते हो ये दोनों चैट्स यहाँ पर आ गए आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो एडिट कर सकते हो कोई कलर चूज कर सकते हो अगर अलग कलर कोई रखना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो और इन दोनों को ही एक साथ ही आप मैसेज भी कर सकते हो यानी इनका जितने भी लेबल्स हैं उन सबका एक साथ एक ब्रॉडकास्ट भी बना सकते हो तो अब ये मल्टीपल लेबल्स आ रहे हैं तो अब आप अपनी चैट के अकॉर्डिंग अपनी कस्टमर के अकॉर्डिंग अच्छा जो पर्सन एक बार एक लेबल आपने उसको दे दिया है उसको आप कोई दूसरा लेबल भी दे सकते हैं जैसे मान लो ये वाला जो पर्सन है जो डिजिटल मार्केटिंग जोधपुर लिखा आ रहा है ये वाला जो पर्सन है ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्टेड था और लेट से कि ये एक और लेबल में दे रही हूं जैसे कि ये इंटरेस्टेड था वर्ड में भी ठीक है तो मैंने इसको क्या किया इस वाले उसमें भी ऐड कर दिया तो आप देखोगे ये जो थर्ड वाला पर्सन है ये इसके पास दो लेबल्स आ चुके हैं और अब मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकती हूँ इजीली कि भाई कौन से वो लोग थे जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड थे कौन से वो लोग थे जो कि वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड थे कौन से वो लोग थे जो कि वर्ड में इंटरेस्टेड थे एंड सो ऑन तो इससे आपका ये जो व्हाट्सऐप का मैनेजमेंट है ये काफी ज्यादा ईजी हो जाता है तो जरूर इस चीज को यूज कीजिए अपने एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा स्मूथ करने के लिए बाय द वे ये कंप्लीट व्हाट्सऐप बिजनेस का कोर्स चल रहा है एक एक चीज हम व्हाट्सएप बिजनेस से रिलेटेड सीखने वाले हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा मेक श्योर sure करो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो जल्दी से प्लेलिस्ट उठाओ सारी वीडियोस देखो तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक कीप लर्निंग